हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त बहुत होंगे। सो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद प्रियल पर। बात करते हैं आज के सेशन के बारे में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रैबिट का पार्ट टू, यानी कि फर्स्ट लेक्चर हम कंप्लीट कर चुके हैं, सेकेंड लेक्चर बाकी है, क्योंकि इसमें तीन पोर्शन रह गए थे, डाइजेस्ट सिस्टम ऑफ रैबिट, रिप्रोडक्शन और ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। तीन चीज़ें अभी हमारी कंप्लीट नहीं हुई हैं, तो आज का सेशन में कंप्लीट रैबिट का पोर्शन हो जाएगा। जो भी क्वेश्चन रैबिट वाले पोर्शन से बनते हैं वो सभी आज क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल कंसिस्टेंसी के साथ सेशन देखना है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। सो बात करते हैं अपने इंपॉर्टेंट फंक्शन की, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। तो सिस्टम जो होता है रैबिट का, डाइजेस्टिव सिस्टम, बेसिकली इसमें कौन कौन से पार्ट कंसिस्ट होते हैं। इसमें एलिमेंट्री कनाल होती है और डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं, जो कि मिलकर पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट करते हैं। ठीक है, एलिमेंट्री कनाल की अगर हम बात करें तो ये बेसिकली होती क्या, एलिमेंट्री कनाल जो होती है रैबिट की, बहुत ही लंबी सी एक कॉइल्ड फॉर्म में ट्यूब होती है, जिसका डायमीटर वेरी करता है। स्टार्टिंग होती है इसकी माउथ से, भाई एलिमेंट्री कनाल प्रॉपर माउथ से शुरू, बकल कैविटी से शुरू हो जाती है एंड टर्मिनेट, यानी कि कहाँ जाकर खुलती है, ये एनएस पे। ठीक है, एनएस वाले जो सबसे बाहरी रीजन होता है वहाँ जाकर ये इसकी टर्मिनेट हो जाता है। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जैसे कि इसमें माउथ होता है, वेस्टिब्यूल, फेरिंग्स जो कि बको फेरेंजल कैविटी बनाते हैं, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, केसम, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस। ये कंप्लीट ऑर्गन जितने भी हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट करने में, यानी इन सब का रोल होता है डाइजेशन को कंप्लीट कराने में। एक एक ऑर्गन को बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं, जिनसे क्वेश्चन बनते मैंडेटरी है कि हम उनको बहुत अच्छे से देखें। जैसे कि माउथ की कभी कभी पोजीशन पूछ ली जाती है, जैसे कि जो माउथ है ट्रांसवर्स एक स्लिट लाइक दरार की ओपनिंग होती है इसकी, जो कि जो स्नाउट वाला रीजन है ना उसके थोड़ा सा नीचे प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियर टिप जो होता है ना स्नाउट का उसके थोड़ा सा नीचे प्रेजेंट होता है। स्नाउट मैंने आपको दिखाया था जब हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी। यदि आपने अभी तक सेशन फर्स्ट नहीं लिया है इसका लेक्चर तो जरूर लेना, क्योंकि उसमें हमने कंप्लीट मॉर्फोलॉजी कंप्लीट की है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो माउथ की ओपनिंग होती है वो किस में होती है। तो माउथ खुलता है जाकर वेस्टिब्यूल में, तो माउथ ओपन इनटू अ नैरो वर्टिकल शेप का एक वेस्टिब्यूल है, उसमें जाकर माउथ की ओपनिंग हो जाती है। अब जो वेस्टिब्यूल है प्रेजेंट कहाँ रहता है, वेस्टिब्यूल प्रेजेंट रहता है बिटवीन लिप्स, लिप्स के बीच में, चीक्स और जो गम्स होते हैं ना जॉ वाले, जबड़े के जो मसूड़े होते हैं उनके बीच में वेस्टिब्यूल प्रेजेंट होता है। वेस्टिब्यूल का फंक्शन ये है, इट्स म्यूकस मेम्ब्रेन कंटेन म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड, इसके पास म्यूकस ग्लैंड होती है जो कि म्यूकस सिक्रेट करती हैं। ठीक है, इसका रोल इतना होता है कि म्यूकस सिक्रेट करते हैं बेसिकली। अब हम बात करते हैं थर्ड पोर्शन, बकल कैविटी की। अब जो वेस्टिब्यूल है इसकी ओपनिंग हो जाती है बकल कैविटी में जाकर। बकल कैविटी में क्या है, बकल कैविटी में टीथ हैं, बकल कैविटी में टंग है, जितने भी रिसेप्टर होते हैं वो सभी बकल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। तो हम सभी को बहुत अच्छे से नोट करने वाले हैं, क्योंकि देखो क्वेश्चन टीथ से और टंग से तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो बात करते हैं जो वेस्टिब्यूल है इसकी ओपनिंग हो जाती है टू ए लार्ज स्पेसिस, बकल कैविटी में जाके ओपनिंग हो जाती है। अब एक बार यहाँ रैबिट की टंग देख लेते हैं। देखो ये एंटीरियर टिप है टंग का, सबसे बाहरी हिस्सा जो कि बिल्कुल बाहर जीभ निकाल, सबसे बाहर जो रीजन है उसको एंटीरियर रीजन बोलते हैं टंग का। ठीक है, अब यहाँ पर कई सारी पैपिली प्रेजेंट होती है, जैसे कि फिलीफॉर्म पैपिली, फंगीफॉर्म पैपिली, फॉलिएट पैपिली, सिरकमवेलेट पैपिली। ये जो फॉलिएट फिलीफॉर्म पैपिली आप देख रहे हैं ना, ये क्या करते हैं, जैसे वो खाने को इंजेस्ट करते हैं रैबिट, जब उनके बकल कैविटी में खाना होता है तो उस पर एक कोटिंग की तरह काम करते हैं। ठीक है, ताकि खाने को अंदर ले जाने में हेल्प मिले, यानी कि उसको लसलसा बनाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट जो फंजीफॉर्म पैपिली हैं, फंगीफॉर्म पैपिली जिसको कहा जाता है, इन पर टेस्ट बर्ड्स होते हैं। फॉरेट पैपिली भी टेस्ट बर्ड के टेस्ट का परसेप्शन कराते हैं बेसिकली। जो तीनों ही पैपिली हैं ये टेस्ट महसूस कराते हैं, टेस्ट रिसेप्टर यहाँ प्रेजेंट होते हैं। ये जो आप देखें सिरकमवेलेट पैपिली, बिल्कुल नीचे वाले हिस्से प्रेजेंट होते हैं, जो टंग वाला रीजन होता है उसके सबसे नीचे वाले पोर्शन पर प्रेजेंट होते हैं सिरकमवेलेट पैपिली। इन पर अप्रॉक्सीमेटली 100 टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि टेस्ट का परसेप्शन कराते हैं। ये डिटेल में यही सारे ऑर्गन हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, पूरा स्ट्रक्चर लिया है मैंने आपके ताकि समझ बेहतर हो बेसिकली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें, बकल कैविटी की ही बात चल रही है, इस पर पैलेट होते हैं, टंग होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं। अब हम बात करते हैं टीथ की, क्योंकि कई बार ना डेंटिशन ऑर्डर पूछ लिया जाता है इनका, किस तरह का होता है, कितने तरह के टीथ प्रेजेंट होते हैं, टोटल नंबर ऑफ टीथ पूछ लिए जाते हैं, तो डिटेल में पढ़ेंगे। टीथ जो होते हैं बेसिकली, बोथ द जॉ ऑफ रैबिट बियर टीथ, यानी कि ऊपर वाला रीजन यानी कि अपर जॉ और नीचे के जॉ दोनों में ही टीथ पाए जाते हैं। इनका बिल्कुल डेंटिशन टाइप वो बिल्कुल हम ह्यूमंस की तरह ही होता है। देखते हैं वो कैसे, दीज आर सिचुएटेड ऑन द प्री मैगजिली और मैगजिली जो होता है अपर जॉ का, प्री मैगजिली मैगजिलीजन में ही प्रेजेंट होते हैं। अब बात करते हैं टीथ का जो फॉर्मूला, एक बार वो देख लेते हैं। डेंटल फॉर्मूला जो होता है, नंबर डेंटल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, देखो ऊपर के जबड़े के जितने टोटल टीथ होते हैं और नीचे के जब नंबर ऑफ टीथ इन वन हाफ ऑफ द लोअर जॉ। ऑर्डर आपको पता ही है, ICPM यानी कि इंसिकर कैनाइन प्रीमोलर मोलर टोटल ले लिए जाते हैं, कैनाइन इनमें एबसेंट होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं इंसिकर दो हैं,
प्रीमोलर 3 एंड मोलर 3 कैनाइन एब्सेंट ही होते हैं. तो आप यहाँ देख सकते हैं 3 to 5 एंड 3 8 इंटू 16 अपॉन ये कितना है 2 1 3 एंड 3 8 3 to 5 एंड 1 6 6 इंटू ये हो गया 12. तो 16 और 12 कितने हो टोटल 28 होते हैं. आप यहाँ लगा सकते हैं बेसिकली मैथ तो इतना आता है, ये बेसिक से मैथ है. तो 28 इनका डेंटिशन होता है, मतलब कि टोटल टीथ जो होते हैं नंबर ऑफ टीथ इनमें 28 प्रेजेंट रहते हैं. इंसिकर कैनन प्रीमोलर मोलर का निकाले ना कितना नंबर होता है मैंने आपको बता दिया है. अब हम बात करते हैं जो टीथ होते हैं ये किस में फिट होते हैं. जैसे कि देखो हमारा थीकोडोन टाइप डेंटिशन है, दैट मीन्स जो कप लाइक सॉकेट होते हैं ना जॉ के, जो हमारे जबड़े की जो हड्डियाँ होती हैं कप लाइक सॉकेट होते हैं उनमें ये धंसे हुए होते हैं टीथ. बेसिकली इसको थीकोडोंट कहा जाता है. थीकोडोंट लेटिन का वर्ड है जिसमें थीका का मतलब होता है एक शीथ जिसमें कि टीथ फिट हो जाए और ओडस का मतलब होता है टीथ. ठीक है, अब टीथ जो है डिफरेंट डिफरेंट शेप के होते हैं. डिफरेंट डिफरेंट के शेप के टीथ को हेट्रोडोंट डेंटिशन के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि जो टीथ हैं वो अलग अलग शेप के हैं. जैसे कि इंसिकर्स अलग शेप के हैं, कैनाइन अलग शेप के हैं, प्रीमोलर अलग हैं, मोलर अलग है. कोई एब्सेंट है तो बात ही नहीं, लेकिन फिर भी जितने भी तरह के टीथ हैं वो अलग अलग शेप के होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हम अगर बात करें टीथ जो होते हैं रैबिट में ये भी डाइफाइडोंट है जैसे कि हम ह्यूमंस के होते हैं. जैसे कि इनमें दो सेट होते हैं, टू सेट्स ऑफ टीथ आर सीन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ रैबिट. यानी कि रैबिट की पूरी लाइफ टाइम में दो तरह के टीथ देखे जाते हैं. देखिए जैसे हम में होते हैं पहले तो मिल्क टीथ होते हैं उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं, है ना, वैसे ही होता है. ये बोल रहा है ना लाइक मेजोरिटी ऑफ अदर मैमल्स, जैसे अदर मैमल्स में होते हैं वैसे ही इनमें होता है. जैसे कि द फर्स्ट सेट इज नोन एज मिल्क टीथ, सबसे पहला सेट जो होता है उसको दूध के दांत बोले जाते हैं जो कि डेसिड्यूस होते हैं यंग कंडीशन में. और वो जो मिल्क टीथ होते हैं वापस से दे आर रिप्लेस बाय द अदर सेट ऑफ परमानेंट टीथ, वो टूट गिर जाते हैं और फिर परमानेंट टीथ आते हैं जो कि वापस कभी नहीं गिरते हैं, है ना, इन द एडल्ट विच आर नॉट रिप्लेस, जो कि कभी नहीं बदलते हैं. ठीक है, तो याद रखना किस तरीके से होता है. अब डेंटल फॉर्मूला जो है वो हमने पढ़ ही लिया था कैसे निकालते हैं. अब एक बार आप यहाँ डाइजेशन का सिस्टम देख सकते हैं पूरा, ये पूरा रैबिट का डाइजेस्ट सिस्टम का आहार नाल है, मतलब पूरी यहाँ लंग्स हैं आप यहाँ देख सकते हैं. ये हार्ट है, बिल्कुल सेंटर में सिचुएटेड है हार्ट. ये थोरासिक कैविटी होती है. थोरासिक कैविटी क्या है, बेसिकली जो रिब है या फिर जो जितने वाइटल ऑर्गन है उनको कवरिंग करने का काम करते हैं जो थोरासिक कैविटी होती है ना. अब इसकी ओपनिंग कहाँ हो रही है, देखो स्टमक में जाके खुल जाते हैं जो हार्ट, यहाँ आप इनकी लंग्स किस में खुल रहे हैं वापस जाके आप ये देख सकते हैं. और यहाँ स्टमक, ये लिवर है, ये ड्यूओडेनम वाला रीजन है, ये बेसिकली किडनी है टू पेयर्स में. ये पेरिटोनल कैविटी है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है जिसके पार्ट होते हैं केसम, ये वाले जो पार्ट होते हैं. और ये यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन पोर्शन है. लार्ज इंटेस्टाइन के पोर्शन कौन कौन से, कोलन है, रेक्टम है, एनस है, ये सभी लार्ज इंटेस्टाइन के पोर्शन होते हैं. ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है जो कि हम ह्यूमंस में तो वो होता है ना. नेक्स्ट आप केसम देख सकते हैं, ये ब्लैडर है बेसिकली, और यहाँ टेस्टिस हैं जो कि पेयर में प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ अगर हम देखें, अब आता है फेरिंग्स वाला रीजन. जो बकल कैविटी होती है ये डिस्टिंगजल होती है तीन रीजन्स में. एक छोटी सी होती है मतलब बकल कैविटी, एक नैरो सी कैविटी है. ये जो सॉफ्ट पैलेट होती है डिवाइड होती है फेरिंग्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड करती है. अब वो फेरिंग्स के तीन पार्ट कौन कौन से होते हैं एक बार आउटलाइन देख लेते हैं. एक तो होते हैं नेजो फेरिंग्स जो कि डॉर्सल होता है सॉफ्ट पैलेट की वजह, सॉफ्ट पैलेट के लिए डॉर्सल साइड पर है. ओरो फेरिंग्स जो कि सॉफ्ट पैलेट के जस्ट बीनीथ प्रेजेंट होते हैं. और ये होता है लैरिंगो फेरिंग्स जो कि बिल्कुल गले वाला रीजन होता है ना, ओव्यूला वहाँ प्रेजेंट होते हैं, उसके फ्रीली फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं वहाँ. अब हम बात करते हैं ईसोफेगस की. ईसोफेगस का ये ऑर्गन पूछा जाता है कि इसका फंक्शन क्या होता है. ईसोफेगस एक्ट एज एन ऑर्गन ऑफ कंडक्टिंग द फूड. ईसोफेगस जो होता है इनका रीजन उसमें खाने को स्टोर करने का काम होता है. लेकिन एक बात याद रखना, ईसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता. डाइजेशन जो वो इंटेस्टाइन में होगा, लेकिन यहाँ ईसोफेगस में नो डाइजेशन. ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा गया है कई बार डाइजेशन होता है ईसोफेगस में, नहीं होता है, तो आपको बता देना सीधा वहाँ नहीं होता, इंटेस्टाइन से शुरू हो जाता है. और इसका काम बेसिकली है क्या, खाने को स्टोर करने का काम होता है. अब हम बात करते हैं स्टमक की. ईसोफेगस की ओपनिंग होती है स्टमक में. स्टमक एक लार्ज कर्व्ड शेक लाइक थैली नुमा एक स्ट्रक्चर होता है जो कि कहाँ सिचुएटेड है, बिहाइंड द डायफ्राम. डायफ्राम के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, स्लाइटली टुवर्ड द लेफ्ट साइड इन द एब्डोमिनल कैविटी. एब्डोमिनल कैविटी के थोड़ा सा लेफ्ट में प्रेजेंट है स्टमक. स्टमक जो होता है ये तीन रीजन में डिवाइड है. स्टमक डिफ्रेंशिएटेड इनटू थ्री रीजन. वो तीन रीजन कौन कौन से हैं, एक तो कार्डियक रीजन है, पाइलोरिक रीजन है और एक फंडिक रीजन है. जो एंटीरियर और एक बड़ा सा सबसे बड़ा सा रीजन है उसको कार्डियक रीजन के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि ईसोफेगस खुलती है जाकर. एक नैरो पोस्टीरियर पाइलोरिक रीजन है जो कि कहाँ लीड करता है, जो कि ड्यूडेनम में खुलता है. एक थर्ड पार्ट है जो कि कार्डियक और क्या कहते हैं पाइलोरिक के बीच में है, उसको फंडिक रीजन के नाम से जाना जाता है. ठीक है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फंक्शन मैंने यहाँ लिए हैं. मुझे कमेंट स्क्रीन बताना आपको सेशन कैसा लगा. लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है. मस्कुलर इंस्फिंक्टर यानी कि जो कार्डियक वाल्व रहता है वो प्रेजेंट रहता है, जिसमें कि ईसोफेगस जाकर खुल जाती है. अब ये जो कार्डियक वाल्व है ना, इसका फंक्शन पता है क्या है,
ये कोशिश करते हैं कि जो प्रिवेंट द बैकवर्ड पेज ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक, कि जो खाना है वापस से स्टमक से पीछे की तरफ ना जाए, यानी कि ये रोकते हैं कि जो खाने का मूवमेंट है पीछे की साइड ना हो, क्योंकि देखो ये जो रीज़न है ना, कार्डियक हुआ, फंडिक हुआ, पाइलोरिक हुआ, ये अपने आप बाउंड्री सेट करते हैं कि भाई खाना यहीं तक रहना चाहिए, उसे पीछे नहीं जाना चाहिए। वापस अगर खाना पाइलोरिक रीजन में जाता है, वो कोशिश करते हैं कि पीछे वाले रीजन में ना जाए, तो बाउंड्री की तरह काम करते हैं बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, वही सारे रीज़न है, ये जो पाइलोरिक रीज़न है इसमें क्या होता है, इट प्रिवेंट द बैकवर्ड फूड फ्रॉम ड्यूडेनम टू पाइलोरिक स्टमक। सबके रीज़न है कि कोई ड्यूडेनम में जाने से रोकता है, कोई ईसोफेगस में जाने से रोकता है, कोई स्टमक में वापस ना जाए स्टमक से, ये सारे फंक्शन इनके होते हैं। अब हम बात करते हैं इंटेस्टाइन की। स्ट्रक्चर में तो हम समझ ही चुके हैं, इंटेस्टाइन जो होती है रैबिट की, बहुत ही ज़्यादा कॉइल्ड फॉर्म में होती है, लंबी सी होती है, 1.2 मीटर की होती है लेंथ में, और डिवाइड होती है, बताया मैंने आपको, स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में डिवाइड हो जाती है, जिसके मैंने आपको अलग अलग ऑर्गन भी बताए कौन कौन से पार्ट में डिवाइड होती है। अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है, सेक्स सेपरेट होते हैं, यानी कि मेल सेक्सुअल ऑर्गन अलग बॉडी में, फीमेल सेक्सुअल ऑर्गन अलग बॉडी में, यानी कि जो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है बहुत ही अच्छे से देखा जाता है रैबिट में। अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है इसमें एक पेयर ऑफ क्या होते हैं, टेस्टिस होते हैं, एक पेयर वासा डिफरेंशिया है, यूट्रस है, सेमिनल वेसिकल जिसको बोल देते हैं, यूरिथ्रा है, पेनिस है, और एक नंबर ऑफ एसेसरी ग्लैंड है, जैसे जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट करते हैं, जो एसेसरी ग्लैंड होती है ना बाकी, वो सब मिलकर क्या करती है, रिप्रोडक्शन को कंप्लीट करती हैं। जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड है, देखो काउपर्स ग्लैंड है, कई बार पूछेगी काउपर्स ग्लैंड किस में पाई जाती है, तो याद रखना इसको बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। पेरिनल और रेक्टल ग्लैंड जितनी भी हैं, ये सारी इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंप्लीट करती हैं। अब एक बार स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, ये होता है प्रॉपर मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये साइड व्यू है और ये पूरा डॉर्सल व्यू है, आप यहाँ देख सकते हैं, ये होती है राइट किडनी और ये होती है लेफ्ट किडनी, इनकी ओपनिंग हो रही है सीधी, आप यहाँ देख सकते हैं यूरिटर के थ्रू ये कहाँ जा रहे हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड में इनकी ओपनिंग हो जाती है। ये यूरिटर है बेसिकली, ये जो आप ये देख रहे हैं ये सिमेटिक कॉर्ड होती हैं, यूटराइन मस्कुलाइंस है, यूरिथ्रा है, और यहाँ कॉर्पस एपिडाइडमिस है, ये टेस्टिस है, ए पेयर में टेस्टिस कवर्ड है स्क्रोटल सेक के अंदर, और ये होती है काउडा एपिडाइडमिस, ठीक है, और ये पेनिस है जो कि बाहर की तरफ खुल रहा है, ठीक है, स्क्रोटल सेक आप देख चुके हैं। इंग्विनल पेरिनल ग्लैंड है, ये बल्ब जिसको कॉपर ग्लैंड बोला था ना मैंने, इसको बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है, ये है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो प्रॉपर ये मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेस्टिस की। टेस्टिस इनके पेयर्ड होते हैं, यानी कि एक जोड़े में होते हैं, लाइट पिंक कलर के होते हैं, ओवॉइड बॉडीज होती है, यानी कि ओवल शेप के होते हैं बेसिकली, दीज लाई इन द फीट इन द एब्डोमिनल कैविटी नियर द किडनी, किडनी के जस्ट पास ही प्रेजेंट है ना, किडनी के पास प्रेजेंट होते हैं एब्डोमिनल कैविटी में जो टेस्टिस है, लेकिन जब प्यूबर्टी का टाइम आता है तो डिसेंट आउटसाइड हो जाते हैं, किसकी तरह, किसके थ्रू, इनग्विनल कैनाल के थ्रू, इनके स्क्रोटल सैक में इनकी ओपनिंग हो जाती है जब इनका प्यूबर्टी का टाइम आता है। अब हम बात करते हैं ओवरीज की। जो ओवरी होती हैं, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, उसमें एक पेयर ओवरी होती है जो कि थोड़ी छोटी होती हैं, वाइटिश होती हैं, और ओवल बॉडीज होती हैं वो भी, और अटैच होती हैं डॉर्सल वॉल जो होती है एब्डोमन की, उसके पास ही अटैच होती हैं। अब एक बार हम यहाँ स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये है फीमेल का, यहाँ ये राइट किडनी है, ये लेफ्ट किडनी है, ये यूरेटर के थ्रू इनकी ओपनिंग हो जा रही है ब्लैडर में, ठीक है, देख सकते हैं आप यहाँ, ये बेसिकली फेलोपियन ट्यूब है जिनके थ्रू फर्टिलाइजेशन होता है, ये ओवरी है, ये ओविडक्ट फनल है, ये यूट्रस है, यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है, और ये वेजाइना है, बेसिकली इनका रिप्रोडक्टिव पार्ट है वेजाइना, ये वेस्टिब्यूल है, और ये यूविला के थ्रू इनकी ओपनिंग बाहर की तरफ हो जाती है। इनमें भी कॉपर ग्लैंड या फिर बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड पाई जाती है, दोनों में ही कॉमन है वो तो, और पेरी एनल ग्लैंड भी इनके पास पाई जाती है। ये डॉर्सल साइड भी देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि सभी सेम है, क्योंकि दिक्कत ही नहीं इसमें कुछ। अब हम बात करते हैं कि जो ओवरी है, ये एक मेसेंट्रीज जो कि मैंने स्ट्रक्चर दिखाया था उसके थ्रू अटैच रहती है। ईच ओवरी वेन राइप, जब ओवरी का मतलब मैच्योरिटी का टाइम आता है, तो शो ऑन इट्स आउटर, इसके बाहर के सरफेस पर मैनिटिनी प्रोजेक्शन कॉल्ड ओवेरियन ग्राफिन फॉलिकल, तो बाहर की तरफ छोटे छोटे प्रोजेक्शन हो जाते हैं जिनको ग्राफिन फॉलिकल के नाम से जाना जाता है। अब ये फॉलिकल क्या काम करते हैं, हर एक फॉलिकल कंटेन ए डेवलपिंग ओवम, अब यहाँ हर एक फॉलिकल पर एक जो ओवम है ना वो डेवलप हो जाता है, दीज प्रोजेक्शन, और ये जब रैप्चर कर जाते हैं उस वॉल को तो क्या रिलीज करते हैं, ओवर रिलीज करते हैं, इसमें निकलते हैं, ओवर को फर्टिलाइज करते हैं और जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, इस तरीके से इनका पूरा कॉपुलेशन हो जाता है। अब एक बार कॉपुलेशन देख लेते हैं, उसकी क्रिया क्या होती है। डोमेस्टिक रैबिट जो घर जो पालतू होते हैं रैबिट कैन कॉपुलेट एट एनी टाइम, वो तो कभी भी कॉपुलेट कर जाते हैं, बट वाइल्ड रैबिट जो कि जंगलों में रहते हैं ना खरगोश जिनको खरहा बोलते हैं, वो कॉपुलेट करते हैं जनवरी से जून के महीने में। याद रखना जनवरी से जून का जो मंथ होता है, रैबिट जो होते हैं जो जंगलों वाले होते हैं उनका कॉपुलेशन टाइम ये होता है, जो डोमेस्टिक होते हैं उनका तो कभी भी हो सकता है। एट द टाइम ऑफ कॉपुलेशन, जो कॉपुलेशन टाइम पर जो पेनिस होता है मेल का, वो कहाँ इंट्रोड्यूस हो जाता है, वेजाइना फीमेल में, फर्टिलाइजेशन जिस तरह से होता है वही होता है, तो हम सीमन इजेक्युलेट हो जाते हैं, स्पर्म सीक्रेट होता है, स्पर्म ओवा को फर्टिलाइज कर देता है और फॉर्मेशन हो जाता है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम की। लास्ट प्रोसेस है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, इसको पढ़ लेते हैं एक बार, फिर हमारा पूरा प्रोसेस रैबिट का कंप्लीट हो जाएगा। कुछ नहीं छोड़ा है हमने रैबिट में, जितने भी क्वेश्चन आएंगे यदि आपने सेशन ले लिया कोई भी बाहर नहीं जाने वाला है, क्योंकि मैंने प्रीवियस पेपर को ध्यान में रखते हुए सभी नोट्स प्रिपेयर किए हैं। इनफैक्ट जितने भी टॉपिक्स हैं वो सभी से रिगार्डिंग हैं, सभी को कंसिस्टेंसी के साथ देखना है। टाइम टेकिंग सेशन भी नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए कि आप सभी सेशन देखें अच्छे से। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना वीडियो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है रैबिट का यानी कि मैमल का, उसमें सर्कुलेटरी मीडिया होता है, ब्लड होते हैं जिनके थ्रू ब्लड फ्लो करता है, ब्लड वेसल्स होती हैं, और एक सेंट्रल पंपिंग ऑर्गन है जिसको कि हर्ट के नाम से जाना जाता है। और जो हर्ट है उसके मतलब ब्लड वेसल जो वो क्या करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अलग अदर वर्टिब्रेट की तरह ही जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम वो कैसा होता है, क्लोज टाइप होता है। इस सिस्टम को बेसिकली करता क्या है, ये जो इनका रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये डाइजेस्ट फूड को क्या करते हैं, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अदर ऑर्गन्स में, वाटर को, ऑक्सीजन को, हार्मोन्स को, एक्सक्रीट प्रोडक्ट को एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा पूरा सेशन कंप्लीट होता है। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।